हेलो डियर स्टूडेंट्स मूव्ड इन न्यू वीडियोस एंड इन सम न्यू टॉपिक विध न्यू वेल टू डू आई होप कि आप मुस्कुरा रहे होंगे सही सलामत होंगे और जहाँ भी होंगे हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो टूडे द नेम ऑफ द टॉपिक इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट समझ ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है इज द डिफिनेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे किसे ये होता क्या है कोई पूछेगा तो क्या बताया कुछ तो बोलना पड़ेगा तो नो प्रॉब्लम लेटा यार नहीं ये नहीं बोलना है मैं सिखा रहा हूं कि क्या बोलोगे तो कहिएगा कि दोज सोर्सेस ऑफ लाइट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द नेचर देन दिस टाइप ऑफ द नेचुरल देन दिस टाइप ऑफ दिस सोर्सेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना जी मैंने अभी भी बोला है कि ऐसा किसी भी प्रकार का लाइट जो हमारे नेचर में मौजूद है पहले से पहले से मौजूद है प्रकृति में हमने नहीं बनाया है उसे पहले से नेचर में मौजूद है समझ गया है ना नेचुरल चीजों के द्वारा वो दिया गया है एज नेचर्स में फ्री अवेलेबल है वो तो उससे ही हम लोग क्या है नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट वैसे तो नेचर में फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है बट फिलहाल यहाँ पे लाइट की बातें कर रहा हूँ मैं इसीलिए नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट की बातें ही मैं करूँगा समझ गया ना जी हाँ तो कोई पूछता है कि क्या डिफिनेशन हुआ है तो बता दोगे ना आई होप कि आप बता सकते हो अब कोई पूछता है कि एग्जाम्पल्स बताओ तो क्या हो जाएगा सन हो जाएगा स्टार्स हो जाएंगे और भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ यहाँ पर मेट्योर्स हो जाएगा जो जो कहते हो कि टूटता हुआ तारा आ रहा है वो दरअसल में मेट्योर्स एक प्रकार का रहता है जुगनू हो जाएगा ऑफ कोर्स हो जाएगा जुगनू क्यों भाई क्योंकि जुगनू को किसने बनाया है हमने बनाया नहीं वो जुगनू पहले से ही था और नेचर्स के द्वारा ही वो क्रिएट हुआ है नेचर्स में ही क्रिएट हो गया वो समझ गया स्टूडेंट कि अब आप, आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है तो बता दोगे ना ऐसा नहीं ना कि आप आप नहीं बताइएगा चलो हटो वाग से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप नहीं बताइएगा ऑफ कोर्स बोल सकते हो बोल सकते हो ना चलो अच्छी बात है अब देखिए इस नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट को कोई पूछता है कि और थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि मैं और अच्छे तरीके से समझाऊँ तो उसी विद्यार्थी के लिए या फिर उन सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने लिख रखा है कि गॉड गिफ्टेड सोर्सेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया जो सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हमें लाइट मिल रहा है प्रकाश मिल रहा है उससे ही हम लोग नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कह दिया अब भाई कोई सोचेगा कि गॉड क्या हो गया भाई गॉड के बारे में बताओ ऐसा है कि हमें बहुत सारा चीज़ है जो जो रहस्यमय इस दुनिया में बहुत सारा रहस्यों से भरा हुआ है जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं या फिर जानने के चाहत रखते हैं अभी तक उतना नहीं पहुँच पाते हैं इसीलिए हम लोग उन्हें एक हिडन एनर्जी एक ऊर्जा के रूप में नाम देते हैं उस छुपा हुआ ऊर्जा का नाम देते हैं उसका नाम है गॉड ठीक है लेकिन हमसे ये मत पूछो कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं खैर वो अलग ही कॉन्सेप्ट है समझ गया ना तो भगवान में विश्वास करने वालों के लिए ही ये डिफिनेशन एक तरह का है क्यों क्योंकि इसीलिए तो मैंने लिखा है कि गॉड गिफ्टेड सोर्सेस ऑफ लाइट को ही कह दिया इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट यू आर गुड बिकॉज यू आर गुड इसी की तरह से लिखा हूं, भगवान के द्वारा दिया गया इसीलिए वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है नेचर मौजूद है वो सोर्सेस ऑफ लाइट इसीलिए वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहा समझ गया ना जी हाँ आई होप कि आपने सीखा होगा इतनी चीजों आप क्या कीजिए आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से ठीक है तो बहुत सारे बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए अंदाज में तब तक के लिए बस ऐसे ही आप मुझे देखते रहें मैं आपको देखूँ या नहीं देखूँ क्या फर्क पड़ता है सो लव यू ऑल सी यू देन टेक केयर